खबर छतरपुर से है, जहां पुलिस ने रेप के आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले गौरीहार थाना क्षेत्र में इस तांत्रिक ने मकान में जादू टोना को दूर करने गया था। मौका पाकर इस तांत्रिक ने रात में परिवार के सभी लोगों को बाहर बैठा दिया और एक महिला को घर के अंदर तंत्र क्रिया करने महिला को प्रसाद के रूप में शराब पिला दी और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब महिला को होश आया तो उसने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिस पर महिला के परिजनों ने थाने में जाकर कथित तांत्रिक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने कथित आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तांत्रिक टीकमगढ़ में हत्या के मामले में भी फरार चल रहा था। मैंने कंप्लेंट करी थी मैं हस्बैंड के साथ आकर के कि टीकमगढ़ के रहने वाले घनश्याम श्रीवास हैं जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया है। गंभीर मैटर था। 376 मामले FIR इसमें रजिस्टर्ड कर ली है, उसको राउंड अप कर लिया कोर्ट में। सर ऐसा कोई क्या मैं चक्कर था जो चक्कर के चक्कर बहुत तेज का चक्कर मारा था? नहीं, उसका ये कहना था कि कुछ दिन पहले उसकी देवर की कहीं डेथ हो गई थी, जिसमें आरोपी उसके टच में आया और उसने बताया कि आपके यहाँ जादू टोना का कोई इशू है और उसको मैं ठीक कर दूंगा। इस तरह उनके कांटेक्ट में और कांटेक्ट में आने के बाद उसके साथ गलत कर सर इस कांटेक्ट के दारू पिलाकर कुछ किया नहीं, मतलब इसमें इसीलिए 376 की FIR रजिस्टर्ड हुई है। और बाद में राउंड अप के बाद हमें ज्ञात हुआ कि इसके खिलाफ टीकमगढ़ में भी 1302 का केस रजिस्टर हुआ।